अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे मज़े में होंगे मैं भी अलहमदिल्ला बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में अर्ली मॉर्निंग का टाइम और आज मैं बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए पैन केक्स और आपको पता है मैं आपको बहुत पहले पैन केक्स की फ्रॉम स्क्रैच जो मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की थी वो बेस्ट रेसिपी है लेकिन मुझे पता जब सुस्ती होती है ना तो मैं ये वाले बॉक्सेस लेके आती हूँ ये मैंने रखे होते हैं जब बच्चे बोले राइट वे उनको बस निकाला उसमें पानी मिक्स किया एंड दैट इज़ इट तो ये मुझे ईजी लगते हैं लेकिन ट्रस्ट मी मैं झूठ नहीं बोल रही कि अगर आप वो वाली रेसिपी जो मैंने कभी बनाई थी अब तो मुझे खुद भी याद नहीं कब बनाई थी अगर आप वो रेसिपी शेयर अपने बच्चों के लिए बनाएंगे ना और इसको बनाएंगे जो आपको रेडीमेड बॉक्स मिलता है बस उसमें पानी ऐड करना होता है और उसको बनाना होता है इन दोनों के टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है और जो फ्रॉम स्क्रैच हम घर में बनाते हैं ना वो वे बेटर है इससे लेकिन वही वाली बात कि थोड़ी वो सहूलत हो जाती है कि बस बॉक्स खोलो उसको मेजर करो पानी डालो रख लो दो मिनट के बाद आप उसको बना लो बाकी चीज़ों पे ये होता है कि आपको प्रॉपर मेजरिंग करनी पड़ती है प्रॉपर तरीके से आपको सारा काम करना पड़ता है उस पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और उसको आ, एक्टिवेट होने के लिए भी आई थिंक थर्टी मिनट चाहिए होते थे पता नहीं इतना कुछ टाइम था तो मैंने ये बस अपने घर में एमरजेंसी के लिए रखे हुए हैं जब बच्चों का दिल कर पड़े बस उनको निकाल के दिया और जल्दी से उनको बना के पैनकेक्स से उनका शौक पूरा कर दिया फिर एक ऐसा भी टाइम आया था जब स्टार्ट में कि जब हम लोग नए नए आए थे कैनेडा तो मेरे बच्चों को पैन अच्छे लगते थे तो मैं उस वक्त तो फाइनेंशियल जो हमारे हालात थे वो भी इस इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि रोज़ रोज़ बच्चों को ख़रीद के दौर खाएं लेकिन फिर हम क्या करते थे कि वीकेंड्स पे इनको हम लेके जाते थे और मैकडोनल्ड से जो मिलते थे ना पैनकेक्स वो मेरे बच्चों को बड़े अच्छे लगते थे बच्चों में भी सिर्फ दि जाना को बड़े पसंद थे तो हम फिर वीकेंड्स पेज को या इसको हम ले लेते ले थे, थे ड्राइव थ्रू ले लेते ले थे, थे या हम लोग उसको वहीं पर डाइन इन करवा देते थे फिर स्लोली 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 ऐसा हुआ कि दिजाना का वो शो ख़त्म हो गया फिर एकदम से एक टाइम आया जब बेबरस ने घर पे बनाने स्टार्ट किए तो सब बच्चों को फिर से अच्छे लगने शुरू हो गए अब दि जाना भी खाता है मीखा भी खाता है और जिबराइल भी खाती है बेब्रस अभी भी नहीं खाती अगर बेब्रस खाएगी तो सिंपल पेन केक खाएगी उस पर कोई सीरप कोई चीज़ भी उसको अच्छा नहीं लगता तो मेरे घर में ना मैं वो कहते हैं ना बड़े नमूने हर तरह का एक नमूना आपको मिलेगा कोई किसी चीज़ का वो कहते हैं ना कि दीवाना है कोई किसी चीज़ का दीवाना है और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तो बस मेरे घर में ये वैरायटी आपको मिलती है तो बेब्रेस जो है वो बॉयल्ड एग लेती है ब्रेकफास्ट में एवरी डे सेवन डेज में उसको वही खिलाती हूँ दजाना मोस्टली लाइक नाइन आउट ऑफ टेन डेज में ना दाजाना खाता है ब्रेड के स्लाइस पे ऑमलेट डाल के खाता है वो मीका को रोटी या पराठा पसंद है और जिब्राइल मेरी वो मेरी बच्ची वैरायटी वाली है उसको जो मर्ज़ी दे दो कभी उसको बिरयानी दे दो कभी उसको चावल दे दो यानी कि पुलाव दे दो कभी उसको रैप बना के दे दो कभी उसको रोटी दे दो कभी उसको ब्रेड एंड एग दे दो वो उसको ऐसे सूट नहीं करते वो सुबह ना तो कहती है अम्मा मेरे पेट में ना सारा दिन गड़बड़ रहती है तो खाती बड़े शौक़ से थी ब्रेड एंड एग लेकिन अब उसने वो खाना छोड़ दिया तो अब देखें जिस तरह आज मैं पैनकेक्स बना रही थी उसको ये पैनकेक्स भी अच्छे लगते हैं लाइक उसकी माशा माशा खाने की आदात बहुत अच्छी हैं पिकी है, है लाइक उसको मेरे हाथ का टेस्ट अच्छा लगता है लोगों के घर जाए तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होती खाने से लेकिन उसके वो नखरे नहीं है कि अगर ये चीज़ है तो ये ऐसे क्यों है और ये चीज़ है तो ये ऐसे क्यों है वो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को ना एंजॉय करके खाती है और एक बात और है कि शायद आपको आज मेरी आवाज़ बड़ी थकी, थकी थकी लग रही हो अभी आपको मैं अपने पूरे दिन का रूटीन दिखाती हूँ ना फिर आपको पता चलेगा कि आई मैं थकी हुई क्यों आई मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई इस वक्त मेरी बैक जो है ना वो दुख रही है मेरा दिल नहीं कर रहा था वॉइस ओवर करने पे लेकिन शुक्र है वॉइस ओवर मुझे थोड़े पार्ट पे करना है बाकी जो है वो मैंने वैसे ही उसकी रिकॉर्डिंग की हुई है तो वो आप सुनेगा वहाँ पे तो आपको आवाज़ ठीक लगेगी लेकिन इस वक्त तो मैं इतनी थकी हुई ये रात का टाइम है रात के तकरीबन साढ़े नौ का टाइम हो चुका है और मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ये करने के बाद इसको मैंने अभी करना है एडिटिंग के बाद इसको अपलोड करेंगे थंबनेल बनाएंगे और वो सारा प्रोसेस करना तकरीबन एक घंटा मुझे और डेढ़ घंटा लगेगा फिर कहीं जाके मैं फ्री हूँ और आज मुझे असाइनमेंट का कोई काम नहीं करना तो आज मेरी इवनिंग फ्री है जाऊँगी बेड में लेटूंगी आराम से नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देखूंगी जो मैं आजकल देख रही हूँ पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं देख रही हूँ द ब्लैक लिस्ट और उसका मैं सेवन्थ और एट्थ सीजन पे मैं हूँ नाइन्थ सीजन है उसके टोटल तो मैं दुखी भी हूँ कि ख़त्म हो जाएगा तो इसके बाद मैं क्या देखूँगी फिर मैं आप लोगों से पूछूँगी कोई मुझे रिकमेंडेशन देना कि कोई अच्छा सा जो सीरीज़ है ना जो नेटफ्लिक्स पर मैं फिर वो देखना स्टार्ट करूँगी तो चलें बस अब ये बच्चों को दे रही हूँ मैं और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है बाकी बच्चों के अभी मैंने लंच वगैरह पैक नहीं किए हैं लंच वगैरह साथ साथ पैक हो रहे हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट भी वो कहते हैं ना ताज़ा बनाना है और लंच भी है वो भी ताज़ा बनाना है तो ये सारी चीज़ें ताज़ा ताज़ा बनाने के चक्कर में ना मेरी जो अपनी मत मारी जाती है <laughs> सीरियसली कभी कभी मैं बड़ी थक जाती हूँ स्पेशली जो मैंने आज किया आज मेरा बहुत बड़ा लॉन्ड्री डे आज मैंने इतने लॉन्ड्री के काम करने हैं ना मैं आपको बता नहीं सकती अभी बस ये बच्चों ने जाना खैर से तो मेरा घर धोबी घाट बनने वाला है और मैं ऐसा धोबी घाट आपको दिखाती तो अपने बल्कि ऐसा करती हूँ कि आपको अपने इस धोबी घाट की जर्नी में अपने साथ लेके जाती हूँ तो चले मेरे साथ एंजॉय करते हैं हमारा आज का व्लाग जना आप तो टाइम देख लें टाइम हो गया है साढ़े दस पौने ग्यारह शायद होने वाले हैं टेन थर्टी फाइव हैं और अब हो रही हैं जी लॉन्ड्रीज आज ना मैंने लास्ट वीक जो मैंने लॉन्ड्रीज की थी ना वो आधी रह गई थी और आधी मैंने कर दी थी तो ये सारे के सारे कपड़े हैं ये ज़रा चेक कर लें यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे सारे कपड़े मैंने लॉन्ड्री की है अभी लॉन्ड्री की अब आपको दिखाती हूँ वो चल भी रही है ये सुबह से मैं तीन लोड कर चुकी हूँ चौथा लोड मेरा मेरे आ, ड्रायर के अंदर है फिर इस तरीके से ये सारे कपड़े अब डन हो जाएंगे मुझे अब ऊपर लेके जाना है मैंने ये आयरन भी करना है इस बास्केट को हम फिल कर देंगे लेकिन मैं आपको जाके दिखाऊँ जरा ये चेक करेंगे आप वैक्यूम रखा है सफाइयाँ भी साथ साथ हो रही हैं है। भाई मंडे फ्राइडे तो आपको पता है ये देखें ये चल रहा है चली जा रहा है चली जा रहा है चली जा रही है सुबह से मैं लॉन्ग कर रही हूँ अभी इसके ट्वेंटी सेवन मिनट्स हैं तो चलें इसका टाइम मेरे पास है इतने में हमने क्या करना है मैं ऊपर जाऊंगी ऊपर जाके मैं सारी क्लीनिंग वगैरह करूंगी क्लीनिंग करने के बाद नीचे आऊंगी ये कपड़े यहीं पड़े रहेंगे क्योंकि जब तक वो अगला लोड भी आएगा नहीं वो यहाँ पे सारा फोल्ड होगा उसके बाद मैं इनको बिन में डालूंगी और बिन में डालने के बाद लेके जाऊँगी ऊपर तो चलें अब मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद पहले ये काम मैं डन कर लूँ ऊपर की डस्टिंग वगैरह भी अभी रहती है सारा काम पड़ा हुआ भाई सवा दस साढ़े दस का टाइम है और मैं हूँ जी मसरूफ़ वही दिन के रूटीन के काम किचन भी अभी पूरे तरीके से मैंने साफ़ नहीं किया ये देखिए मैं वो किचन भी दिखाती हूँ ये चेक करें किचन भी अभी गंदा है कुछ काम किए हैं कुछ नहीं किए हस्बैंड के लिए चाय बनाई थी चाय का बर्तन वो पड़ा है, है। अब ये करते हुए सफाइयाँ भी करेंगे ने जाए नमाज़ यहीं पर छोड़ी है इसको भी उठाना है उसकी बिन को नहीं ख़ाली करना ये एक मैंने एक्स्ट्रा काम ऐड कर लिया ना अपनी लाइफ में इसको भी रोज़ साफ़ करना पड़ता है इसका फ़िल्टर भी क्लीन करना पड़ता है और इसको भी क्लीन करना पड़ता है तो चलें जनाब अब मैं जा रही हूँ ऊपर और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद जब ये सारे काम मैं कर लूँगी डन उसके बाद हम लोग यहाँ के हिस्से की भी सफाइयाँ स्टार्ट कर देंगे जी ये देखें पहले मैंने नीचे जाके कपड़े सारे किए थे ना ऊपर आई हूँ अभी सारे काम नीचे के पड़े अभी मैंने सफाइयाँ नहीं की लेकिन बेबल्स के मैंने सारे कपड़े आयरन कर दिए और ज़रा चेक करें कि कितने ज़्यादा कपड़े हैं आई डोंट नो अब इतने इसके पास हैंगर्स भी हैं कि नहीं हैं तो ये सारे इसके कपड़े इसके स्कार्फ इसके टाइट्स इसके जीन्स इसके सारे कपड़े यहाँ पर अपना आयरन हो गए हैं मैं आपको क्लॉज दिखाऊँ खाली पड़ी है बिल्कुल क्योंकि सारे कपड़े वॉश के लिए आए हुए हैं ये चेक करें ये सारे हैंगर्स जो है ना ये वॉश के लिए गए <laughs> तो ये अब इसके कपड़े बस लटके हुए हैं इनको निकालते हैं हैंग करते हैं और देखते हैं कि कैसे सारे यहाँ पे चीज़ें फिट आती हैं क्योंकि उसको था कि माँ जल्दी से कर दें जल्दी से कर दें लास्ट वीक मुझसे सुस्ती हुई है मैंने ज़्यादा कपड़े आयरन नहीं किए थे तो ये दो वीक्स के इसके कपड़े हैं टोटल और वो भी जो आज तक के थे अभी इन शाला तला कल से फिर लॉन्ड्री भरना स्टार्ट हो जाएगी और फिर से ये कामों का सिलसिला शुरू हो जाएगा तो चलिए मैं इसको करती हूँ हैंग और उसके बाद मैं आपको इनका फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी क्लोज़ेट का चलें जी ये देख लें बेड खाली हो गया और सारे कपड़े चले गए हैं इधर सब कुछ मैंने हैंग कर दिया यहाँ पे ये यह चेक करें सुकून आ गया सीरियसली <laughs> अब अगला एक डेढ़ हफ्ता इसका अच्छा गुजर जाएगा नेक्स्ट वीक फिर मैं दोबारा से वही लॉन्ड्रीज उनका सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा फिर इसके रोज़ क्योंकि मेन बच्चों को ना कपड़े एक दफ़ा जो ये पहनते हैं वो लॉन्ड्री में जाते हैं कुछ लोग होते हैं ना कपड़ों को री री यूज़ करते हैं मैं नहीं करने देती क्योंकि मुझे होता है कि बस जो कपड़ा पहन दिया घर आओ उसको लॉन्ड्री के लिए डाल दो बेशक कुछ जितना भी नया है ना वो लॉन्ड्री के लिए जाएगा मैं नहीं इनको लेट करती हालांकि तो जाना मुझे बोलता है हम ना करें मैंने कहा जीन्स वग़ैरह पैंट्स वगैरह ना दो लेकिन ड्रेसेस शर्ट्स आपकी ये सारी चीज़ें एवरीडे चेंज होंगी तो ये बस मुझे थोड़ी जहनी बीमारी है आ, कभी कभी बच्चे तंग भी आते हैं लेकिन मैं तो ऐसे ही करती हूँ तो चलिए मैंने कब आपको जल्दी से ये दिखा दूँ हो गया बेड क्लीन हो गया अब चलते हैं नीचे और हम लोग नीचे की क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं ये चेक करें ऊपर गई थी बैबर से कपड़े वगैरह आयरन करके आई हूँ और ये सॉक्स जो है ना सारे सॉक्स का ढेर लगा हुआ है ये आप जरा चेक करें ऐसा नहीं लग रहा हमारे घर में जैसे कोई पता नहीं कोई यहाँ पे पार्टी हुई है जिन्होंने सारे सॉक्स उतार के यहाँ पे रखे हैं सफ़ेद काले मिक्स हुए हुए हैं और अब इनको भी मुझे करना है जी सॉर्ट आउट और उसके बाद घर की सफाइयाँ करते हैं फिर आपको घर का लुक भी दिखा दूंगी क्योंकि ये काम खत्म नहीं होते और टाइम ज़रा चेक कर लें ये सारे काम के दौरान टाइम हो चुका है डेढ़ का और मेरा टारगेट है कि मुझे ढाई पौने तीन बजे तक ये पूरे काम कंप्लीट करना है ताकि उसके बाद फिर कुकिंग शुकिंग को देखा जाए तो आज का पूरा दिन ना ये इन चीज़ों की नज़र हो गया कसम से यार पूरा दिन इन चीज़ों की नज़र हो गया लेकिन कोई बात नहीं मैं खुश इस बात पर हूँ कि मैंने काफ़ी ज़्यादा काम आए समेट लिए तो एक इनर सेटिस्फेक्शन मिल रही है मुझे चलें आप मुझे इसको करने दें डन फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद जी मैं ड्रॉर्स निकाल के लेके आ गई हूँ जो बच्चों के सॉक्स की हैं और यहाँ पे मैंने तीन बना दिए हैं जी पायल्स एक हैं दजाना की आ, स्पोर्ट्स की ये हैं दजाना के बाबा की स्पोर्ट्स की ये है छोटे बच्चों की और यहाँ पे मैंने डाल दी हैं ये वाली ये वाली हैं जब्राइल एंड उनकी बेबस की तो ये हैं जनाब हमारे सारे पायल्स और इस तरीके से हम लोग सॉक्स को सॉर्ट सौ आउट करते हैं तो अभी ये वाली जाएँगी इनमें से एक बास्केट में ये वाली जाएंगी इधर ये वाली जाएंगी इधर एंड दैट सेट फिर हमारा काम ये डन हो जाएगा तो देख लें जरा स्टेप्स आप चेक करते दें ये सिर्फ सॉक्स मुझे ना फोल्ड करने में इतना टाइम लग गया इतने ज़्यादा सॉक्स थे कि मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि इतना टाइम लग जाएगा अब इसको भी समेटें और फिर बाद में आएंगे दोबारा चलें जी देख लें फाइनली सारे काम डन हो गए मैं सोफे पे बैठी मैंने उठना भी नहीं है मैंने नहीं उठ के दिखाना सारे काम डन हो चुके हैं और टाइम हो गया है जनाब टू ओ का तो मैं डन हो गई हूँ अपने दिए हुए टाइम से थोड़ा पहले ही इतने ज़्यादा काम भी किए और सब कुछ मज़े से डन भी कर लिया तो चले जनाब यही था जी हमारा आज का ब्लॉग उम्मीद करते हैं आज का ये ब्लॉग आपने इन्जॉय किया होगा आपको अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पर मुझसे मिलने मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए ब्लॉग के साथ तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल हमें हाँ रखियेगा दो में यार ठीक जी अल्लाह हाफिज़